हनी सिंह भाई का कला स्टार गाना आ चुका है, सारे जाके उनको सपोर्ट करें। मेरे मुझे उनके पहले गाने काफ़ी पसंद थे, जो नए गाने हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, तो उनको प्लीज़ सपोर्ट करें। और हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे लास्ट तक कला स्टार जो गाने का म्यूजिक है किस तरीके से बना है, मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की है। मेरा एलियोर गाना आ चुका है, मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने रील्स उस पर नहीं बनाई है, तो जाके उसको सुने, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। पहले हम सारा गाना सुनेंगे, फिर हम देखेंगे गाने में क्या काम हुआ है। चलिए गाना सुनते हैं, आइए। कमेंट करके ज़रूर बताएं गाना आपको कैसा लगा है। गाने में लाइव गिटार बजा है, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि आपको लाइव कुछ बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कुछ मिडी पे ही सीखेंगे। यहाँ पे एम्पल का VST है, मेरा फेवरेट VST है, एम्पल गिटार आपको दिख जाएगा यहाँ पे, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके पास है तो, बढ़िया है, थर्ड पार्टी VST प्लगइन है। जो गाने का स्केल रहेगा वो रहेगा C#माइनर है, तो उसमें कोड कौन से लगेंगे, C#माइनर, A मेजर, और आपका फिर लगेगा F#माइनर, और फिर आपका लगेगा B मेजर, ठीक है जी। तो इसके ऊपर ही मेलोडी बनी है गिटार की, सुन के देखते हैं मिडी पे कैसे हमने बनाया है। प्ले पॉज करके आगे पीछे करके सुन सकते हैं आराम से, अगर अभी बिजी हैं तो इसको सेव या लाइक करके रख सकते हैं, बाद में वॉच कर सकते हैं पूरी वीडियो। सेम पैटर्न हमने कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी इलेक्ट्रिक गिटार में यूज़ कर रखा है एवोल्यूशन स्ट्रॉबेरी में, ताकि थोड़ा सा अच्छा फील आए, तो इसको हम अलग से सुनते हैं। जब दोनों साथ में चलेंगे तो एक अच्छा भरा हुआ फील आएगा, स्टूडियो फील आएगा। साइड में लाइव में प्लकिंग में गिटार जो है लाइव में बज रहा है, तो उसके जगह पे हमने स्ट्रोक प्लकिंग का पिगनोस इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ किया है गिटार का, तो कैसे इसका साउंड आएगा सुन के देखते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी जगह पे पीछे बज रहा है, किस तरीके से साउंड करता है सुन के देखते हैं, आपको यहाँ पे सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जगह पे इसको यूज़ किया गया है, साथ में वोकल स्प्लाइसेस गर्ल्स के पीछे चल रहे हैं, बट हमारे पास सेम नहीं मिला है तो मैंने थोड़ा सा सिमिलर ही बनाया है। एक अच्छा हेडफोन ज़रूर लगा के गाने को सुने, बिना हेडफोन के कोई समझ नहीं आने वाला आपको। तो गाने में पीछे वोकल स्प्लाइसेस चल रहे हैं, उसके हिसाब से हमने थोड़े बहुत यहाँ पे बना दिए हैं। ड्रम्स कैसा चल रहा है सुन के देखते हैं, की कोर्स नियर पहले किस पैटर्न में चल रही है। बेसिकली ये पूरा पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है बार बार। इसके साथ बेस किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे हमने बू बेस यूज कर रखा है, VST प्लगइन है, यहाँ पे बेस को आपने हाई कर देना है, मिड को थोड़ा सा कम, ट्रेबल को और थोड़ा सा कम। बेस किस तरीके से आ रहा है पहले सिंगल बेस सुन के देखते हैं। ड्रम्स के साथ सुनते हैं, प्रकर्शन में क्या क्या चीजें आ रही हैं सुन के देखते हैं।
एक यहाँ पे ऐड हो रही है, यहाँ पे डबल ऐड हो रही है, साथ में क्लैप आ रहा है। इसी के साथ जो है आपके शेकर्स और हाई हैट्स क्लोज वाले आ जाएंगे, सुन के देखते हैं। और हाई हैट्स बिल्कुल सिंपल, सिर्फ बीट को सुनेंगे विदाउट बेस। बहुत अच्छी आ रही है। बहुत सही। लास्ट में एक ट्री ड्रम पड़ता है साइड गिटार के साथ, तो यहाँ पे पिगनोस ही चलेगा। क्या यूज़ कर रखा है सुन के देखते हैं। इसके साथ प्री ड्रम आ जाएगा। तो लास्ट में कैसे प्री ड्रम्स बजेगा, सिर्फ इतना सा काम रखा है। सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट लाइक जरूर करके जाएं और सपोर्ट जरूर किया करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दिया करें। वीडियो बहुत अच्छा बना है तो मुझे थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि यार लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, साथ में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके जाएँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, फिर से मिलेंगे।